हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सीआरटी टीवी का जो योक होता है, नॉर्मल सीआरटी टीवी का जो योक चेंज प्रोसेस डिटेल्स देखाऊंगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, ये टीवी का जो एक फॉल्ट मिला, तो फर्स्ट ये फॉल्ट आपको एक बार देखाऊंगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे योक चेंज किया जाता है और चेंज करने के बाद योक लगाने का जो तरीका, ये आपको इस वीडियो में देखूंगा। तो दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो न्यू टेक्नीशियन को बहुत ही फायदा होगा, शुरू से लास्ट तक देखेगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सैमसंग कंपनी का एक सीआरटी टीवी है। ये 14 इंची का एक टीवी है, ठीक है। और ये टीवी का जो फॉल्ट है, बहुत ही अलग तरीका एक फॉल्ट है। तो योक फॉल्ट बहुत देखा है, लेकिन ये भी एक योक फॉल्ट है। तो ये पार्टी ने बताया कि पिक्चर छोटा देखा जाता है। तो आप भी एक बार देख सकते हो इसका जो पिक्चर है कितना छोटा है। तो चलिए मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लाइट का अंदर ये क्लियर नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं लाइट ऑफ कर दिया। देखिए स्क्रीन का अंदर कितना हल्का सा छोटा सा एक पिक्चर देखा जाता है। तो चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ ये पोजिशन को। अब देखिए इतना छोटा सा एक पिक्चर देखा जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है, तो एक्चुअली ये योक का फॉल्ट है। तो चलिए मैं टीवी का बैक कवर मैं ओपन करूँगा, ओपन करके आपको सब कुछ देखूँगा कि इसका फॉल्ट क्या है। अभी तक ये टीवी को बैक कवर ओपन नहीं किया है, आपका सामने ही मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके देखूँगा। तो दोस्तों देखिए, मैं टीवी को बैक कवर ओपन किया और आप देख सकते हो ये सैमसंग कंपनी का बहुत ही पुराना एक अच्छा चैसिस है। और ये चैसिस का अंदर 8823 का आईसी है, ठीक है। और इसका डिगोसिंग कॉयल का कनेक्शन ओपन है, तो कोई बात नहीं। चलिए, ये जो योक है नॉर्मल सा छोटा सा योक है, ठीक है। एक्चुअली स्मॉल नेक पिक्चर ट्यूब का अंदर ये योक है। अब देख सकते हो कितना टाइट है इसका बेस। आपका सामने ही मैं ये बेस ओपन किया और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ओपन करूँगा। तो दोस्तों, ये ओपन करने का पहले ये जो रिंग मैग्नेट है, इसका जो स्क्रू होता है, आपको स्क्रू ड्राइवर लेके लूज करना पड़ेगा, ठीक है। और लूज करने का बाद ये जो रिंग मैग्नेट होता है, इसका ऊपर भी एक मार्किंग देखा जाता है। तब भी आप अलग सा मार्कर लेके अच्छा करके एक मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि ये मार्किंग करने का बाद जो फ़ायदा होगा कि बहुत पुराना रिंग मैग्नेट होगा तो, और बहुत दिन से ये ओपन नहीं होगा तो बहुत ही टाइट हो जाता है, और ओपन करने का समय कुछ कुछ रिंग मैग्नेट भी टूट जाने का चांस होता है। जब टूट जाएगा कि थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो आपको वो एडजस्ट करके ही लगाना पड़ेगा दोबारा। तो और लूज करने के लिए आप थोड़ा सा केरोसिन यूज़ कर सकते हो। मेरा पास केरोसिन नहीं है, पेट्रोल है, तो मैं पेट्रोल लेके अभी ये ओपन करने का कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों केरोसिन सबसे बेटर होगा। यह पर इसका नीचे एक कपड़ा होता है, ये कपड़ा बहुत टाइट हो जाता है। तो दोस्तों देखिए कितना टाइट है। तो आपको बहुत ही सावधानी से ये ओपन करना पड़ेगा, ये फास्ट आपको लूज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यह एक रिंग मैग्नेट ये टूट गया, तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा लास्ट में ये अच्छा करके लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, जो रिंग मैग्नेट होता है, इसका अंदर देखिए एक प्लास्टिक का बेस होता है, मेनली वो टूट गया। तो ये देखिए इतना टाइट हो कि यह कनेक्ट हो गया कि ये सब कुछ आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में आपको वो रिंग मैग्नेट को लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट आपको ये सब क्लियर करके जो योक होता है, योक को बाहर करूँगा। बाहर करने का बाद सेटिंग्स करने का समय आपको रिंग मैग्नेट लगा सकते हो और पिक्चर नहीं भी लगा सकते हो। पिक्चर का ऊपर जब फॉल्ट आएगा, एक्चुअली कलर का ऊपर और एक कलर जब देखा जाएगा, तब आपको रिंग मैग्नेट जरूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो रिंग मैग्नेट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अल्ट्रा स्लिम का योक चेंज बहुत ही और क्रिटिकल होता है, क्योंकि अल्ट्रा स्लिम का जो मेन योक होता है, योक अधिकतर मैच नहीं काटता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पुराना वाला योक है, आपका सामने में देखूंगा कि ये योक का हाल क्या हो गया, ये ओपन करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा।
तो आपका सामने में लाइव प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये योक कॉइल का अंदर ये हॉरिजेंटल योक कॉइल है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा तरह से जल गया, और ये जलने का जो मेन रीजन होता है, देखिए ये जो काला काला हो गया, और ये एक्चुअली जो सेटिंग्स करने के लिए यूज़ होता है पिक्चर ट्यूब का अंदर, एक्चुअली इसे इसी रीजन से ये योक कॉइल ख़राब हो जाता है। तो फर्स्ट ये जो तीनों रबर टाइप होता है ये सेट करने के लिए योक को, ये आपको आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अधिकतर सैमसंग टीवी का अंदर योक जो ख़राब होता है इसी का रीजन से, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों रबर को मैं आउट कर दिया, ठीक है, और आपको अच्छा करके वो पोजीशन को कपड़ा लेके क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लीन करने के बाद आपको योक लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा पास इसी टाइम एक ओरिजिनल पुराना योक है। तो दोस्तों योक सभी योक कॉइल का ऊपर एक नंबर देखा जाता है, लेकिन ये जो पुराना वाला योक है ये तो जल गया, लेकिन सेम टाइप योक देख के अब लगाएगा तो तब भी काम चल जाएगा, ये नंबर देखने का ज़रूरत नहीं होगा। देखिए मेरा पास ये पुराना एक योक है, सेम टाइप का योक है, तो ये योक मैं यहाँ पर आसानी से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये स्मॉल नेक का योक है। तो दोस्तों ये योक तो मैं लगाया, और ये जो पुराना मैं जुगाड़ किया ये मॉनिटर का अंदर था, और दोस्तों ये नॉर्मल टीवी का अंदर था, तो ये मैं नहीं लगाऊंगा। तो ये आप लास्ट में लगाए, तभी मैं थोड़ा सा सेट करके एक बार आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये लगाया जाता है, ठीक है। तो योग तो मैं लगाया, और चलिए आपका सामने में योग कनेक्शन करूंगा, सब कुछ आपका सामने में करके दिखाऊंगा, क्या रिजल्ट आता है, क्या फर्क आता है, और कुछ प्रॉब्लम सामना आ जाएगा तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है, सब कुछ आपको देखूंगा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी पोजीशन को मैं मेन मेन पोजीशन को मैं काट नहीं दूंगा, आपको डायरेक्ट दिखाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। और चलिए पुराना योक का जो वायर कनेक्शन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये ओपन करने का समय आपको ध्यान रख के ये ओपन कीजिए, क्योंकि इसका अंदर जो कलर होता है हॉरिजॉन्टल का वायर का जो कलर और वर्टिकल का जो कलर, ये आप ध्यान रखिए, नहीं तो एक एक तार ओपन करके पुराना जो योग में सेटिंग्स क्या वहाँ पर आप एक एक करके लगाइए, ठीक है। तो हॉरिजेंटल का वायर वर्टिकल पर और वर्टिकल का वायर हॉरिजेंटल पर कनेक्शन करेगा तो पीसीबी फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान पूर्वक लगाना पड़ेगा। तो मैं एक साथ ही सब कुछ ओपन कर देता हूँ, करने के बाद मैं एक एक करके लगाऊंगा। और ये बहुत ही पुराना योक है, पुराना कनेक्शन है, बहुत ही सल्फर के बजाय ये रंग ओपन करने का भी बहुत टाइम लग जाता है। तो कोई बात नहीं, जितना टाइम लगता है लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली सब कुछ सामने ही देखाऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देखते रहिए, मैं आपको सामने ही मैं सब कुछ कनेक्शन करके देखूंगा, और कनेक्शन करने के बाद सप्लाई भी देख के देखूंगा कि कुछ भी फॉल्ट आएगा, और ये जो प्रॉब्लम फर्स्ट आपको दिखाया वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। और ये चेंज करने के बाद अधिकतर जो फॉल्ट होते हैं, जो कलर पैच प्रॉब्लम देखा जाता है स्क्रीन का ऊपर, रेड कलर ग्रीन कलर बहुत इधर उधर साइड देखा जाता है, और पिक्चर का ऊपर पिक्चर आ जाता है रेड का ऊपर ग्रीन, ग्रीन का ऊपर रेड ब्लू, इस टाइप पिक्चर देखा जाता है। तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है सब कुछ आपको इस वीडियो में देखाऊंगा, ठीक है। और एक्चुअली वो योग जो होता है, योग मैचिंग नहीं होगा तो वो सेट करना बहुत ही टफ है, ठीक है, वो सेट नहीं होगा। तो तब भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो आप योग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन लगभग सेम टाइप योग का लेके आएगा तो वो मैच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सभी योग का नंबर, योग का नंबर होता है, नंबर देख के लगाएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक बात जो होता है, योग का सेम नंबर का ऊपर योग मार्केट पर हर टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो सेम टाइप देख के जो उसका पैटर्न होता है, ठीक है, वो देख के अब लगाएगा तो काम चल जाएगा। तो दोस्तों योग का ऊपर मैं डिटेल्स एक वीडियो बना के रखा है, कितना टाइप योग होता है, जो अलग अलग हर टाइप योग होता है, वो योग के ऊपर मैं डिटेल्स एक वीडियो बना के रखा है। तो आप वो वीडियो देखना चाहता हो तो ये वीडियो का ऊपर जो मैं आई बटन पर एक लिंक दे देता हूँ, देखिए
वो लिंक क्लिक करके आप देख सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी वो वीडियो का लिंक दे देगा, ठीक है। अलग अलग योग जो होता है और योग कैसे टेस्ट किया जाता है सब कुछ आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। न्यू टेक्नीशियन को बहुत ही फायदा होगा वो वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और दोस्तों ये योग चेंज करने का वीडियो यूट्यूब पर बहुत कम है, क्योंकि योग ओपन करना और लगाना ये भी बहुत रिक्स होता है, ठीक है। और एक हाथ से कैमरा करना और एक हाथ से दिखाना और कैमरा सेट करके भी अच्छा तरह से नहीं दिखा जाता है, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये योग तो मैं कनेक्शन किया और ये रबर को मैं इस टाइम नॉर्मल सा लगाता हूँ, लेकिन ये अभी मैं सेट नहीं किया, जस्ट टेस्ट करने के लिए लगाता हूँ। और ये रिंग मैग्नेट देखिए ये टूट गया था इसका बेस, तो इसीलिए मिडिल में मैं थोड़ा सा डेड नाइट देके इसको टाइट किया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाद में लगाऊंगा, फास्ट नॉर्मल ये जो देखिए बहुत ही ढीला लगता है, तो थोड़ा सा कपड़ा लेके इसको टाइट करना पड़ेगा। तो फास्ट मैं टेस्ट करके आपको देखाऊंगा और वो रिंग मैग्नेट मैं अभी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आपका सामने में योक लगाया और बेस कनेक्ट किया, ठीक है। डिगसिंग कॉयल वायर मैं ओपन करके रखा है और ये पुराना वाला योग है, आप देख सकते हो। तो चलिए इस टाइम आपको सप्लाई देके देखूंगा पिक्चर जो साइज वो सही आता है कि नहीं, और कलर का कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं, सब कुछ आपका सामने ही करके देखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों काम करना अलग बात है और वीडियो बनाना भी अलग सा अलग बात है। काम करते करते वीडियो बनाना बहुत ही टफ होता है। तो दोस्तों देखिए ई एस टी को थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर आप ध्यान से देखेगा तो स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, क्योंकि स्क्रीन का अंदर एक्साइट रेट अधिक देखा जाता है। मन में लगता है कि ये डिगोसिंग कॉयल ओपन है इसीलिए ये देखा जाता है, लेकिन दोस्तों ये बात ये नहीं है। योग कॉयल लगाने का समय इस तरह भी देखा जाता है, योग अच्छा तरह सेट नहीं होगा तो इस टाइप ये रेड होता है, हो सकता है ग्रीन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कलर हो सकता है। इसीलिए ये जो रेड कलर और एक्साइट ग्रीन कलर, ये आपको फास्ट योग कॉयल घुमा के सेट करना पड़ेगा। योग कॉयल को आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा और राइट और लेफ्ट करके आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए ये जो स्क्रीन आपको फ्रेश ब्लू होना चाहिए, देखिए मैं थोड़ा सा योग को इधर उधर करके फ्रेश जो ब्लू किया, और ये देखिए मैं जूता पहन करके मैं काम काटता हूँ तो इसी का समय लकड़ी का ऊपर, ठीक है, लकड़ी का ऊपर और जूता पहन करके काम कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। जब ये ब्लू स्किन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लीन हो जाएगा, रेड और ग्रीन ये आउट हो जाएगा, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि योग थोड़ा सा सेटिंग हो गया, ठीक है, योग तो थोड़ा सा सेटिंग हो गया। और उसका बाद चलिए एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि वीडियो कितना क्लियर आता है, ठीक है, और वीडियो क्लियर आता है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा वीडियो प्ले करके। आप रिमोट का मेनू बटन पुश करके भी देख सकते हो, जो मेनू लोगो होता है लोगो के अंदर कुछ भी शैडो आता है कि नहीं, ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रिंग मैग्नेट लगाने का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं, ठीक है दोस्तों। देखिए लगता है कि रिंग मैग्नेट लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो पिक्चर का जो लोगो सॉरी सेटअप बॉक्स का जो लोगो देखिए जो लिखा, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखा जाता है, कुछ भी कलर का ऊपर शैडो नहीं है। तो एक बार वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मैं वीडियो प्ले किया, ई एस टी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो तो प्ले किया लेकिन कलर बहुत ही हल्का है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये अलग सा फॉल्ट है, थोड़ा सा रिमोट लेके, तो दोस्तों इसका रिमोट मेरा पास नहीं है, मैं रिमोट लेके रिमोट ढूंढ के एक बार देखूंगा कि ये बाद में लगाऊंगा, ठीक है। और फर्स्ट ये कलर को सही करूंगा, सही करने का बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बेस बुक को मैं थोड़ा सा ड्राई फिल किया, लूज कॉन्टैक्ट था, और थोड़ा सा कलर मैं बढ़ाया, बढ़ाने के बाद देखिए इसका पिक्चर का क्वालिटी बहुत क्लियर आ गया, कुछ भी शैडो नहीं है। तब भी इस तरह पिक्चर जो आएगा आप छोड़ सकते हो, पार्टी का आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन टेक्नीशियन का आँखों में ज़रूर थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। जो फर्क मिलता है ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताया कि सब कुछ क्लियर करके देखूँगा। तो चलिए मैं टीवी को घुमा के दिखाता हूँ।
एक्चुअली स्क्रीन का ऊपर जब मेनू बॉटम पुश करेगा तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है लेखा का ऊपर हल्का सा शेडो देखा जाता है। तो दोस्तों ये शेडो आउट करने के लिए आपको रिंग मैग्नेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैं रिंग मैग्नेट लगाया और देखिए नीचे से नीचे अच्छा करके कपड़ा लेके और ये जो गाम यूज़ किया एक्चुअली वो गाम नहीं है, आपको दिखाता हूँ। और ये तो टूट गया ये क्लाम, तो कोई बात नहीं। ये जो रिंग मैग्नेट मैं लगाया आपको फर्स्ट बात है कि मार्किंग करके रखिए, जिस तरह मार्किंग करके आपको दिखाया। और ये जो रेसी बॉन्ड है एक्चुअली ईएसटी का जो स्पार्क जो होता है यहाँ पर ये यूज़ होता है, ठीक है। और ये गम मैं एक्चुअली यहाँ पर मैं लगाया और ये सूखने के लिए दोस्तों एक दिन पूरा टाइम लग जाएगा और जब सूख जाएगा तो बहुत ही टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं लगाया और लगाने के बाद मैं अच्छा करके सेट किया और एक दिन तो रखना ही पड़ेगा ये सूखने के लिए, नहीं तो ये ढीला हो जाएगा और कलर पैच प्रॉब्लम आ जाएगा और एक कलर के ऊपर अलग कलर आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये सब कुछ लगाने के बाद आप देख सकते हो पिक्चर का क्वालिटी कितना अच्छा हो गया, ठीक है दोस्तों। बहुत ही क्लियर पिक्चर आ जाएगा। आपको वीडियो प्ले करके एक बार दिखाता हूँ सेटअप बॉक्स से। आप देख सकते हो इसका जो जो लिखा है कुछ भी लिखा का ऊपर डबल इमेज नहीं है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।